बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली वेव्स एंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स और करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, इनको भी ले लेते हैं। उसके बाद में ही हम लोग पेक्टर एटम मॉडल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये भी दो टॉपिक हैं और सिलेबस में हो या ना हो इनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो डी ब्रोगली वेव्स एंड स्टेशनरी ऑर्बिट, या कह सकते हैं डी ब्रोगली वेव्स एंड बोहर एटम। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो बोर की कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व हो सकते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम एच अपान टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बाकी ऑर्बिट्स में वो नहीं घूम सकते हैं, और इन ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व होते समय, घूमते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते हैं, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में यही तो कमी थी। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो सकता है न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन करता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का रेडिएशन करेगा कंटिन्यूसली, और धीरे धीरे उसकी रेडियस छोटी होती चली जाएगी और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा और एटम की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो यही बोर ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे जिनमें एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट हैं और नॉन रेडिएटिंग है, इनमें कोई रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो बोर खुद सस्पिशियस थे कि कैसे हुआ, और हम लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक आखिर हो कैसे रहा है, कौन सी ऑर्बिट हैं स्टेशनरी कि इनमें घूमते समय रेडिएशन नहीं होता है और बाकी होता है नहीं होता, जो कुछ भी है। लेकिन जब इनको हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से देखें तो बात क्लियर हो जाती है। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम लोग यूनिट 1-2 में पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स द वेव लेंथ लेमडा एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी बी, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व होता है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एम मास का, उससे एसोसिएटेड जो वेव लेंथ है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नहीं है, वो डुअल नेचर रखता है वेव का भी और पार्टिकल का भी, और इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है लेमडा उसकी वेव लेंथ एच बाई एम बी, एच प्लैंक कांस्टेंट है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी वेलोसिटी है विद विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। दिस वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का यही वेव कैरेक्टर कैन अकाउंट फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ परमिसिबल ऑर्बिट, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ही ऑर्बिट को अलाउ करता है, सारी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, यही जो वेव कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन का। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बोर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स इन सर्कुलर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जो नॉन रेडिएटिंग होती हैं, यानी उनमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते अराउंड द न्यूक्लियस, सिंस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते जब वो ऑर्बिट में घूमते हैं, तो आप क्या कंक्लूड करोगे सीधे, द वेव एसोसिएटेड विद इट मस्ट बी ए स्टेशनरी वेव। अच्छा, वेव आपने दो टाइप की पढ़ी हैं, एक तो प्रोग्रेसिव वेव, एक स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव वो हैं जो कि मीडियम में इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, एनर्जी का ट्रांसमिट करती हैं। लेकिन स्टेशनरी वेव क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव वो हैं जो कि किसी बाउंडेड मीडियम में बनती हैं, जैसे कि स्टेशनरी वेव की बात करें एक ए है मीडियम, एक ए है बाउंड्री और इनके बीच में स्टेशनरी वेव बन रही हैं इस तरह से, अब इस बाउंड्री से फिर रिफ्लेक्ट होंगी इधर आएंगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ आएंगी, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी वेव बनती हैं उनमें नोड बनते हैं और एंटी नोड बनते हैं और एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनर्जी जो है मीडियम के बाहर ट्रांसफ़र नहीं होती। तो अगर स्टेशनरी वेव हैं, एनर्जी यहाँ पर रेडिएट नहीं होती है, तो वेव स्टेशनरी होना चाहिए,
तो यही बात, अब वेव तो है इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल तो अब रहा नहीं जब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आई उसके बाद, द वेव एसोसिएटेड विद इट मस्ट बी ए स्टेशनरी वेव इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, स्टेशनरी वेव में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। फर्दर द इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी एडजस्टेड अराउंड एन ऑर्बिट ओनली व्हेन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेव लेंथ। लेकिन स्टेशनरी वेव कब बनेगी, तभी बनेगी जबकि जो पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस है, मान लिया कि एक कोई भी ऑर्बिट है सर्कुलर, और इस ऑर्बिट में वो वेव पूरी की पूरी एडजस्ट हो जाए इस तरह से, यहाँ से निकल के ये मान लिया एडजस्ट हो गई, ये टू वेव हैं, ये यहाँ से चले एक वेव यहाँ तक आ गई और फिर दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो पूरी जो दो वेव हैं वो एडजस्ट हो गई, तभी जहाँ से चले थे वहीं पे फिर से ज्वाइंट कर पाए पूरी। अब मान लिया कि फिर से हम लेते हैं एक और इसी तरह से एक कोई भी ऑर्बिट है, और यहाँ पर हम थ्री वेव्स को एडजस्ट करते हैं, सपोज दैट ये थ्री वेव्स एडजस्ट हो गई, एक वेव यहाँ से चले ए वन वेव, और यहाँ से चले ए टू वेव, और यहाँ से चले यहाँ ए थ्री वेव, यानी एक सब में क्रेस्ट शामिल कर रहे हैं और एक ट्राज। कंप्लीट वेव में क्या होता है, लैम्डा वेव लेंथ में क्या, एक होगा क्रेस्ट एक ट्राज, ए हो गया क्रेस्ट ए ट्राज वन वेव, ए क्रेस्ट ए ट्राज टू वेव, ए क्रेस्ट और ए ट्राज थ्री वेव। लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया उसी को मिला दिया, तभी स्टेशनरी वेव बनेगी क्योंकि मीडियम बाउंड हो गया। अब मान लिया ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ से अगर मान लिया ए हमारा बन रहा है क्रेस्ट और फिर ये ट्राज यहाँ बना रहे, तो ये जो पहले वाला क्रेस्ट था उसके नीचे दोबारा में ट्राज आ जाएगा, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण होगा तो कोई भी ऑर्बिट यहाँ नहीं बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होना चाहिए। कहने का मतलब है जो पूरी वेव है, चाहे वो एक वेव हो लैम्डा के बराबर, चाहे वो दो वेव हो टू लैम्डा के बराबर, चाहे वो थ्री वेव हो थ्री लैम्डा के बराबर, वो सर्कमफेरेंस में पूरी एडजस्ट होनी जानी चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या होती है, टू पाई आर। तो यही इन्होंने बताया है कि जो टू पाई आर है पूरी सर्कमफेरेंस, वो एन लैम्डा, यानी लैम्डा जो है एक वेव है, एन का मतलब वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगी वेव की, तभी पूरी पूरी वेव उसमें एडजस्ट हो पाएगी। यही इस लाइन में पूरा लिखा है, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है क्या, आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका मतलब है कि टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, केवल वही ऑर्बिट परमिट हो सकते हैं फॉर विच, जिनके लिए द रेडियस आर इज गिवन बाई, जिनके लिए रेडियस टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ एन इज इक्वल टू वन टू थ्री डैश डैश डैश, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिट। ये नेसेसरी कंडीशन है कि इसी ऑर्बिट में केवल इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसके लिए टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा, क्योंकि अगर पूरी वेव सर्कमफेरेंस पर फिट बैठ जाएगी तो वहीं पर स्टेशनरी वेव बनेगी, और स्टेशनरी वेव बनेगी तो वही ऑर्बिट पॉसिबल है। अब टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से क्या होता है, एच बाई एम बी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है एच बाई एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी पुट कर दिया, टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब एम बी और आर इस तरफ ले लिया एम बी आर, और टू पाई को अपान में लिए गए हम, तो एन एच अपान टू पाई एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से क्या है, तो आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एम बी लीनियर मोमेंटम है इन टू आर, ये क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, तो ये एम बी आर एंगुलर मोमेंटम है, अगर ये जे है तो हो गया एन एच अपान टू पाई। तो यही है हमारी जो हमको प्रूफ करना था, बोहर की क्वांटम कंडीशन क्वांटाइजेशन लागी, एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, यन क्या है वन, वन एच अपॉन टू पाई, या टू एच अपॉन टू पाई, या थ्री एच अपॉन टू पाई, एंगुलर मोमेंटम होगा तभी जो है ऑर्बिट बनेगी। अब देख लीजिए हमने यहाँ जो फिगर ड्रा किया है, यहाँ पर ए देखिए, ए बोहर ऑर्बिट है, ए बोहर ऑर्बिट है, और ए बोहर ऑर्बिट है। अब सबसे ऊपर वाली बोहर ऑर्बिट में थ्री वेव्स हैं, यहाँ से देखिए ए एक वेव हो गई यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक
टू वेव, ए थ्री वेव, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू टू। अब यहाँ से यहाँ हो गया हमारा ट्राज, अब ये क्रेस्ट एक वेव, ये ट्राज, अब ये क्रेस्ट दो वेव, एन इज इक्वल टू टू। अब ये जो सबसे छोटा सर्किल है, सबसे छोटी ऑर्बिट, यहाँ पर एक ही वेव है यहाँ पे। इसका बुक में आर्थर वाइजर में इसका कंस्ट्रक्शन भी बताया है, अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेशनरी वेव जैसे ए है, पूरा ए हमारा जो है, ये बाउंड्री है, ए बाउंड्री है, इसके बीच में ए स्टेशनरी वेव बनी हुई है। थोड़ा सा देखिए, बेंड करिए इसके सर्कुलर में, और बेंड कर दीजिए, और बेंड कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये बीच में डार्क लाइन है, ये तो ऑर्बिट शो कर रहा है, और वहाँ की ए जो पाथ हैं, ए डाउन साइड में और ये अप साइड में, ये वेव्स के हैं करेक्टर। तो ए वाली जो है ये ऑर्बिट है, और ये डैश डैश जो है ये वेव हैं। तो इस तरह से जो वेव है वो बनता है चारों तरफ, तो स्टेशनरी ऑर्बिट हम समझ सकते हैं आसानी से। इसके आगे एक और प्रिंसिपल है छोटा सा, इसको भी पढ़ना ज़रूरत रहेगी, आगे स्पेक्ट्रा में बार बार आएगा तो फिर हमें समझना पड़ेगा। यह है बोहर्स करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, हिंदी में अगर कहें तो बोहर का संगति नियम कहते हैं इसको। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। इसका अगर कॉमन कोड हम लें तो द ग्रेटर द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जितनी ही ज़्यादा होगी, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जितनी बड़ी क्वांटम नंबर होगी, क्वांटम फिजिक्स के रिजल्ट क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट के जैसे हो जाएंगे। द ग्रेटर द क्वांटम नंबर द क्लोजर क्वांटम फिजिक्स अप्रोचेज क्लासिकल फिजिक्स, उतनी ही ज़्यादा क्लोजर, उतनी नज़दीक पहुंच जाएगी क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स के, जितनी ज़्यादा क्वांटम नंबर लेंगे। प्रिंसिपल इसका यही स्टेट कर रहा है जो हमने अभी बोला। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द प्रडिक्शंस, प्रडिक्शन मतलब अनुमान, ऑफ द क्वांटम थ्योरी फॉर द बिहेवियर ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, किसी फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर के लिए जो भी क्वांटम मैकेनिक्स रिजल्ट देती है क्वांटम थ्योरी, मस्ट कोइंसाइड, वो कोइंसाइड करेंगे अनिवार्य रूप से विद द प्रेडिक्शन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी जो प्रेडिक्शन देती है उससे वो प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन लिमिट क्या है, इन द लिमिट दैट क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाइंग द स्टेट, उस स्टेट को जो क्वांटम नंबर स्पेसिफाइंग कर रहा है, वर्णित कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब लार्ज क्वांटम नंबर पर क्वांटम क्लासिकल एक जैसे रिजल्ट देते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक तो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी निकालेंगे हम लोग, और एक क्वांटम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स हैं, जैसा हमने अपने फोर्थ लेक्चर में आपको पूरा बोहर क्वांटम मॉडल कराया है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ उसकी वेलोसिटी निकलवाई है, रेडियस निकलवाई है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की, फ्रीक्वेंसी निकलवाई है, उसमें रिजल्ट क्या लिए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है वो कोलंबियन अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है, वो क्लासिकल थ्योरी थी। तो वहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, आपको याद होगा या देख लीजिए, पहले हिंट दिए दे रहे हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू है एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा इलेक्ट्रॉन, सर्किमफेरेंस के बराबर 2πr/v, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वेलोसिटी अपन सर्किमफेरेंस, सर्किमफेरेंस डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी वेलोसिटी है। तो वी जो हमने निकलवाई है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में, और आर जो रेडियस निकलवाई है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्लासिकल फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी। क्लासिकल फ्रिक्वेंसी जो हमको मिली थी हम निकलवा भी चुके हैं, उसमें देख लीजिए एफ इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू 1/n³, इक्वेशन 6 ऑफ लेक्चर 3 इसमें लिखा है, ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, आप यहीं से कर सकते हो। लेकिन जो रिडवर्क कांस्टेंट हमने पढ़ाया है आपको वो क्या होता है, एम ई टू द पावर 4 एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब, तो यहाँ हमने C से ऊपर मल्टीप्लाई किया, C से नीचे डिवाइड किया, और इतना रिडवर्क कांस्टेंट बना के R पुट कर दिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया F इज इक्वल टू 2RC/n³, इक्वेशन 1 इसको मान लिया। तो ये जो है क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो ये क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है उसकी। अब क्वांटम फ्रिक्वेंसी क्या है, नाउ द फ्रिक्वेंसी बाई क्वांटम थ्योरी से निकालेंगे,
कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें हम क्वांटम थ्योरी में तो स्टेट होती हैं अलग अलग, मान लिया कि ये भाई एक स्टेट ए है और एक स्टेट ए है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब आ रहा है तब फोटॉन को एमिट करता है एच न्यू, एक ई वन है स्टेट और एक ई टू है, तो दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर वो फोटॉन को एमिट करेगा, तो न्यू इजुगल टू क्या हो जाएगा, ई वन माइनस ई टू अपान में एच चला जाएगा, तो न्यू इजुगल टू ई आई माइनस ई एफ, इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट हमने मान लिया, अपान एच, तो वन बाई एच ई आई माइनस ई एफ। अब जो हाइड्रोजन आपने पढ़ा था उसमें हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन लास्ट में कराया था, हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी आती है आप उससे अवेयर हो ऑलरेडी, वो हम करवा चुके हैं। तो एनर्जी जो है हमारी हाइड्रोजन एटम में वो क्या निकल ली थी, इजिकल टू माइनस का आर एच सी बाई एन स्क्वायर, आर इडवर्क कांस्टेंट था, एच प्लांक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं आई के लिए माइनस आर एच सी अपान एन आई स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा लिया, माइनस फिर माइनस का एन एफ के लिए आर एच सी अपान एन एफ स्क्वायर। अब ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एफ वाला पहले ले लिया, आर सी कॉमन ले लिया, वही हमारा हुआ आर सी, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे इसको इससे, तो यहाँ ये आ गया। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, और अपान में एन एफ स्क्वायर इंटू एन आई स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखें, लेट अस कंसीडर द ट्रांजिशन डेल्टा एन। अब हम ये मानते हैं कि जो हमारी एन आई है, जैसे कि ए जो है एक स्टेट थ्री है एक स्टेट टू है, तो इनमें जो डिफरेंस है डेल्टा एन का वो कितना है, वन का अंतर है, यानी एन आई और एन एफ, एन आई से एन एफ में ट्रांजिशन हो रहा है, तो एन आई माइनस एन एफ इजल टू क्या है, वन, थ्री माइनस टू, सपोज दैट ऐसा मान लिया। लेट अस कंसीडर द ट्रांजिशन डेल्टा एन इजल टू एन आई माइनस एन एफ इजल टू वन एंड राइट एन एफ इजल टू एन, अगर हम एन एफ को एन मान लेते हैं सपोज दैट, तो यहाँ से देखिए एन आई इजल टू क्या हो जाएगा, वन और प्लस एन एफ, तो अगर एन एफ को एन मान लेंगे तो एन आई इजल टू एन एफ प्लस वन इजल टू एन प्लस वन, यानी अगर एक एन होगा तो एक एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि वन का डिफरेंस मान लिया हमने। देयर फॉर द रेडिएटेड क्वांटम फ्रिक्वेंसी इज, तो क्वांटम फ्रिक्वेंसी न्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हम लोग लिख रहे हैं न्यू इजल टू, इसमें जा कर के हम वैल्यूज को इनको पुट कर रहे हैं, एन आई माइनस एन एफ क्या है, वन, तो ये वन हो गया, एन आई प्लस एन एफ, तो एन आई की वैल्यू एन आई की वैल्यू एन प्लस वन, और एन एफ की वैल्यू एन, तो टू एन प्लस वन। अब एन एफ क्या है, एन स्क्वायर, अब एन आई क्या है, एन प्लस वन का होल हाफ स्क्वायर, ठीक। अब वही कंडीशन आ गई, अगर एन बहुत ज़्यादा लार्ज हो, वेन क्वांटम नंबर एन इज वेरी लार्ज देन वी कैन राइट, अब एन बहुत लार्ज है तो टू एन में प्लस वन जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वन को छोड़ सकते हैं, यहाँ क्या बचा केवल टू एन, ऐसे यहाँ एन प्लस वन है तो एन बहुत लार्ज है, वन को आप माइनस कर दीजिए चाहे वन को प्लस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एन स्क्वायर बाहर और अंदर भी वन को छोड़ दिया तो एन स्क्वायर रह गया, एन स्क्वायर टू एन है, तो एक एन से एन कैंसिल आउट हुआ था, टू बाई एन क्यूब बचा। अब इस टू बाई एन क्यूब को हमने इसमें जाके पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ हमारा आ गया न्यू इज इक्वल टू टू आर सी बाई एन क्यूब, इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन आपने क्या निकाला था, अभी इक्वेशन वन में जो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है वो टू आर सी बाई एन क्यूब आई थी, क्लासिकल हमने यहाँ पे सारे फार्मूले यूज किए थे, अब ये प्लांक का क्वांटम मॉडल से जो यूज किया उससे भी यही आ रही, लेकिन कंडीशन एक ही है शर्त, कि एन बहुत लार्ज होना चाहिए। सेकेंड, अफ्राम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखें कि जो एफ है वो न्यू की इक्वल है, यानी जो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है वो क्वांटम फ्रिक्वेंसी के इक्वल है, बस यही है बोहर का करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। दस फॉर वेरी लार्ज क्वांटम नंबर एन द क्वांटम थ्योरी से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है एंड द क्लासिकल ऑर्बिट फ्रिक्वेंसी बिकम्स इक्वल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई सजेशन है और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे आप लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम वेक्टर एटम मॉडल शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।